किसानों की आत्महत्या पर लगातार बहस होती है। सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन किसानों की आत्महत्या के मामले आने खत्म नहीं होते। हर सरकार खुद को किसानों की हितैषी बताती है, फिर भी किसान जान दे रहे हैं। आखिर क्यों हो रही हैं ऐसी इस तरीके की हत्याएं? ऐसा क्यों हो रहा है कि उनको आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाना पड़ रहा है? इनकी अनदेखी एक बहुत बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल यह भी है कि इस अनदेखी को कैसे खत्म किया जाए। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पिछले 7 महीनों में 73 किसानों ने आत्महत्या कर ली। इस साल विदर्भ में 1500 से ज्यादा अन्नदाताओं ने जान दे दी है। जान लीजिए, ये वही महाराष्ट्र है जहां पर INDIA और NDA अपना अपना राजनीतिक भविष्य तलाश रहे हैं। ये उसी महाराष्ट्र की कहानी। 83 दिन यवतमाल में 82 किसानों ने अपनी जान दे दी। अभी भी किसान परेशान हैं, क्योंकि पहले बेमौसम बारिश हुई और फिर उसके बाद बारिश ही नहीं हो रही है, जिस वजह से फसल खराब हुई। ज्यादातर किसान आज भी बारिश पर निर्भर। NCRB का डेटा जो है वो ये कहता है कि 2021 में करीब 5563 खेतिहार मजदूरों ने आत्महत्या की। 2020 की तुलना में ये 9% ज्यादा है। वहीं 2019 की तुलना में 29% ज्यादा। सबसे ज्यादा 1424 खेतिहर मजदूरों ने महाराष्ट्र में जान दी। वहीं कर्नाटक में 999 मजदूरों ने आत्महत्या की और आंध्र प्रदेश में 584। दरअसल इसको समझने की जरूरत है कि ये जो मजदूर हैं, ये कौन है। ये वही किसान हैं जो जमीन से जब मुनाफा नहीं होता तो खेती छोड़कर मजदूरी करने लगते हैं, लेकिन वहां भी इन्हें बहुत कुछ नहीं मिल पाता। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में 830 किसानों ने जनवरी से अप्रैल के बीच आत्महत्या की है। औसतन हर रोज 7 किसानों ने जान दी। 830 आत्महत्या में सरकार ने 283 मामलों को मुआवजे के लिए सही माना। यानी कि सोचिए, 830 आत्महत्या, सिर्फ 280 या 283 मामलों में ही मुआवजा, बाकी लोग उनका क्या होगा? 1,00,000 रुपए मुआवजा दिया जाता है। वहीं 2006 के बाद मुआवजे की राशि नहीं बढ़ाई गई। अब आप सोचिए, 2006 से पहले तो आप बोझ के तले दब करके आप आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए, और उसके बाद फिर अगर आपने आत्महत्या की तो उसमें भी बहुत कम प्रतिशत लोग मुआवजे के हकदार, और वो भी मुआवजा क्या जो 2006 में तय हुआ। ये कैसी स्थिति? अपना अपना राजनीतिक भविष्य तलाश रहे अलग अलग पार्टी के नेता, जरा कुछ इस बारे में भी सोचे। नाम जीवन दास, लेकिन 2.5 लाख के कर्ज के बोझ ने जीवन खत्म करने पर मजबूर कर दिया। चंद्रपुर के 45 साल के जीवन दास धान की खेती करते थे, अब पत्नी और बच्चे बेसहारा हैं। मैं उन्हें बार बार कहती थी कि आप चिंता मत करो, धीरे धीरे सबका कर्जा चुका देंगे, लेकिन उन्होंने मेरे और मेरे बच्चों के बारे में बिना सोचे खुदकुशी की। मुझे आज तक सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिली। मेरे परिवार को मदद करने की विनती मैं करती हूँ। मला परिवार का विचार करून मदद देने करावे। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर में किसानों की हालत बुरी है। इस साल 73 किसानों ने अपनी जान दी है। इनमें पिछले महीने यानी जुलाई में जान देने वाले 15 किसान शामिल हैं। चंद्रपुर जिले में बीते 7 महीनों में 73 किसानों ने खुदकुशी की है। साल 2001 से 2023 तक 1148 मामले खुदकुशी के सामने आए। 745 किसान ऐसे थे जिन्हें सरकारी मुआवजा मिलना था। इनमें 329 किसान ऐसे थे जो मुआवजे के लिए पात्र नहीं थे। इसमें दिसंबर 2022 से 48 केस पेंडिंग हैं। पिछले 5 सालों में 446 किसानों ने अपनी जान दे दी है। इस साल जून जुलाई में बाढ़ और बारिश ने किसानों का बड़ा नुकसान किया है। वहीं बिना बारिश का अगस्त महीना भी डरा रहा है। पेशे से खुद किसान और महाराष्ट्र के किसानों की आवाज उठाने वाले शशि सोनाम ने मांग कर रहे हैं कि प्रभावित क्षेत्र में अकाल घोषित हो। राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से तुरंत मांग यही है कि अभी महाराष्ट्र में कुछ जिले ऐसे हैं कि वहाँ पर तुरंत ही आप अकाल घोषित करो। ये अकाल घोषित करने से जो बच रही है सरकारें वो गलत है। आपके पास यंत्रणा है, आप उस तरह से सर्वे कीजिए और जो जिले ज़्यादा अफेक्टेड है वहाँ पर तुरंत अकाल घोषित करें, और जहाँ अकाल सदृश परिस्थिति लग रही है वहाँ पर उपाय योजना कीजिए, आपकी पूरी यंत्रणा उसमें लगाइए। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार आपलेदारी बोल रही है, तो जाके वो पॉलिटिकल मीटिंग्स कर रही है, जबकि इन सवालों को उन्होंने एड्रेस करना चाहिए।
हमारे पास एक सुपर मुख्यमंत्री और दो सुपर डिप्टी सीएम है, लेकिन यंत्रणा किसानों के पक्ष में काम नहीं कर रही। बताया जाता है कि इस साल विदर्भ में 1567 अन्नदाताओं ने जान दी है। 83 दिनों में यवतमाल के 82 किसानों ने आत्महत्या की है। जानकार बताते हैं कि अगले 12 से 15 दिनों तक इसी तरह बारिश नदारद रही तो महाराष्ट्र के किसानों का हाल बद से बदतर होने वाला है। चंद्रपुर से विनोद दुर्गे के साथ मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया।